किसान मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल किसान जी टेक ज्ञान पर। ठीक है, तो आज हम आपको बताने वाले कपास की एक ऐसी वैरायटी कपास की बीज की जो आपको ज़रूर लगाना चाहिए। वो बीज कौन सा है? वो है आपके सामने धनदेव गोल्ड। ठीक है, ये बीज इतना अच्छा है दोस्तों, जिस तरह का इसका नाम है धनदेव गोल्ड, ठीक उसी प्रकार ये बीज हमें धन देता है। ठीक है, कुल मिला के ये बात है कि बीज के डेंडू बहुत बड़े रहते हैं, एवरेज काफ़ी अच्छा रहता है। पिछली बार भी हम करीबन 6 से 7 पैकेट हमने लगाए थे, आपको वीडियो बताया था, और इस बार भी हम 4 पैकेट लेके आए हैं। ठीक है, तो ये जो बीज है दोस्तों काफ़ी अच्छा बीज है, इसके भी जो डेंडू काफ़ी बड़े रहते हैं और बीज भी काफ़ी बड़े बड़े रहते हैं, उससे क्या इसका वज़न बढ़ता है कपास का और काफ़ी अच्छा निकलता है। तो इसकी जो खास क्वालिटी वो मैंने आपको बता दी, डेंडू बड़ा रहता है इसमें और ये सदाबहार मतलब हमेशा हरा कपास रहेगा। लास्ट तक जब तक आप इसको खेत से बाहर नहीं करेंगे तब तक ये हरा ही रहेगा 6 महीने तक, मतलब इसके पत्ते नहीं सूखते, अधिकतर ज़्यादा पानी नहीं मांगता है, बहुत बढ़िया और कम खाद और दवाई में ये तैयार हो जाता है। तो एक बेस्ट क्वालिटी कौन सा है? ये माइको का दोस्तों, ये है धनदेव गोल्ड विच 314 बीजी सेकंड। ठीक है, और कॉटन हाइब्रिड सीड विद बोलगार्ड टेक्नोलॉजी। तो आप देख सकते हैं कि एक किसान भाई को इसमें बता दिया गया है किस तरह से बड़े डेंडू को दिखाया जा रहा है, जो कि हालांकि काफ़ी हद तक सही है, जो हमारे आपके पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं, हमने कहीं से वीडियो बनाया है। ठीक है, और ये आपको इजीली मार्केट में 800 से 850 रुपये में मिल जाएगा ये बीज, क्योंकि किसान भाई आसानी से ये बीज प्राप्त कर पा रहे हैं, जैसे कि आशा को नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उसमें क्या है कि उसकी डिमांड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा रेट लगा के उसको बेच रहे हैं दुकान वाले। लेकिन ये बीज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ये बीज ट्राई करेंगे दोस्तों, तो आप गारंटी आपके जितने आप उर्वरक मतलब जितने आप उत्पादन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं आसानी से, क्योंकि काफ़ी अच्छा बीज है, कम इसमें जो खाद बीज लगता है काफ़ी कम मात्रा में लगता है और अच्छा बन जाता है। ठीक है, और आपकी हल्की ज़मीन लाल ज़मीन में भी ये बीज आसानी से तैयार हो जाएगा। पेड़ ज़्यादा बड़े, इसके जो हाइट रहती है कपास की काफ़ी ज़्यादा रहती है, लगभग 6 से 6.5 फीट रहती है, तो एक तरीके का मैं बोलना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा बीज है। तो अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है तो ये बीज एक बार ट्राई कर सकते हैं, अगर लगा दिया हो तो आपके कोई किसान मित्र है उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि ये बीज आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर एक बार जो किसान साल भर की कमाई कर मतलब पूरी मेहनत करता है साल भर अपनी फसल में, और अगर कोई ऐसा गलत बीज ले जाता है तो उसका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो मेन बात क्या है कि हमारा जो बीज का चयन वो अच्छे से होना चाहिए, खास हमारा बीज का चयन है, उसके बाद जो अपनी मेहनत है वो तो अलग ही है। ठीक है, तो ये कुल मिला के बात है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।